नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है दक्षिण दिशा में फाइव एलिमेंट्स को हम कैसे बैलेंस करें। दक्षिण दिशा में फाइव एलिमेंट्स को हम कैसे बैलेंस करें, इसी का विषय है। कोई भी दिशा सभी मनुष्य के लिए शुभ होता है, लेकिन बशर्ते कि उसे उपयोग करना हमें आना चाहिए। दक्षिण दिशा फाइव एलिमेंट्स के सिद्धांत पर निर्धारित करता है। यह फाइव एलिमेंट्स को कैसे हम अपने घर में, अपने शरीर में बैलेंस कर सकते हैं, यही विषय है। अगर आप घर में कोई भी दिशा में सुख, समृद्धि, शांति, यश, सम्मान और पैसा चाहते हैं, तो आपको घर के वास्तु को फाइव एलिमेंट्स के अनुसार व्यवस्था करना पड़ेगा। इसे हम कैसे करेंगे, अब हम आते हैं कि दक्षिण दिशा में फाइव एलिमेंट्स को हम कैसे व्यवस्थित करें, इसी का विषय है। ध्यान से रखें, दक्षिण दिशा आपका दो एलिमेंट से जुड़ करके बना है। पहले दक्षिण के दीवार को पूरा देखते हैं, दक्षिण के एरिया को पूरा देखते हैं, दक्षिण के वाल को पूरा देखते हैं। यह आपका 135 डिग्री से 225 डिग्री का पूरा क्षेत्र जो आता है दक्षिण दिशा आता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें तत्व क्या है, इसमें जो तत्व सबसे ज़्यादा प्रभावी एलिमेंट्स करता है वह अग्नि तत्व है, और थोड़ा सा क्षेत्र पृथ्वी तत्व का है। अर्थात दो तत्व यहाँ कार्य कर रहा है। यहाँ के ग्रह कौन कौन से हैं वो देखें। जो अग्नि कौन है, अग्नि कौन में शुक्र ग्रह है, सेंटर साउथ में मंगल ग्रह है, और नैऋत्य कौन में जो है सो राहु ग्रह है। तो ये तीन ग्रह आपको हर हमेशा प्रभावित करता है। इनके देवता को भी समझें, जो अग्नि कौन है उनका देवता स्वयं अग्निदेव हैं, जो सेंटर साउथ है उसके देवता यम देवता हैं, और जो नैऋत्य कौन है उनके राक्षसी देवी नैऋत्य हैं। यह तीनों नेगेटिव एनर्जी को देते हैं। अगर हम थोड़ा सा अनबैलेंस होते हैं तो निगेटिव देते हैं, और बैलेंस में रहते हैं इनको हम जो है इनके अनुसार सारी व्यवस्था करते हैं, यह पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। शुक्र क्या देता है, शुक्र आपको देता है वैभव, और इनके तत्व अग्नि तत्व है। इसका मतलब पैसे की लिक्विडिटी शुक्र देता है। वैभव किससे आता है, पैसे से आता है। तो अग्नि कोण को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसे बैलेंस में रखना चाहिए। अर्थात अग्नि कोण कैसे बैलेंस रहेगा, अग्नि कोण का जो शत्रु तत्व है, जो एनिमी एलिमेंट्स हैं वो जल है। तो यहाँ पर जल का कभी भी इस क्षेत्र में आना नहीं चाहिए, जल को नहीं लाना चाहिए। जल दो प्रकार से आता है, एक आपका आता है कलर के रूप में, दूसरा जो आता है निर्माण के रूप में। कलर के रूप में नीला, ब्लैक कभी इस क्षेत्र में नहीं करवाएं तो आपको बहुत अच्छा समृद्धि देगा। यहाँ पर जल के रूप में, निर्माण के रूप में बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह इसके क्षेत्र को, इसके तत्व को डिस्टर्ब करता है, तो बैलेंस ख़त्म हो जाता है। इसका बैलेंस बनाने के लिए इसको आप वास्तु के अनुसार करना बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि आपका जो सेंटर साउथ है, अग्नि है, मंगल ग्रह है, मंगल क्या देता है, मंगल आपको उत्साह देता है, मंगल आप में एनर्जी देता है, सेनापति बनाता है, मंगल आपको जीवन में बड़े अधिकारी के रूप में बनाता है, ब्रांड के रूप में बनाता है, बिजनेस खड़ा करने में मदद करता है, साहस देता है। तो इसको भी डिस्टर्ब नहीं करें। इस क्षेत्र में ठीक यही सारे चीज़ जल के नहीं रखना चाहिए, कलर भी और उसका निर्माण ही। और पृथ्वी तत्व को हम देखते हैं कि जल का जो विरोधी तत्व है वह आपका पृथ्वी तत्व है। अर्थात इस क्षेत्र में भी अगर पृथ्वी तत्व के क्षेत्र में भी अगर जल को हम लाते हैं
जैसे वहाँ नीला कलर बोरिंग करवा देते हैं, अंडरग्राउंड टैंक करवाते हैं, तो इसके एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स को बनाने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए वास्तु में यह सिद्धांत बताया गया है कि जो 5 तत्व हैं उनको व्यवस्थित रखें, अर्थात अग्नि तत्व में अग्नि को रखें, अग्नि से निर्माण ही, अग्नि से रिलेटेड ही निर्माण करें। जैसे किचन है, अग्नि से रिलेटेड है तो यहाँ किचन बनाएं, और अगर किचन के अर्थात अग्नि के क्षेत्र वाले जो किचन हैं उनका निर्माण अगर जल के क्षेत्र में कर देते हैं, उत्तर के दिशा में कर देते हैं, ईशान कोण में कर देते हैं, तो ये दोनों तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह 5 तत्व को व्यवस्थित रखने के लिए जिस तत्व का निर्माण जहाँ जरूरी है, अर्थात जो तत्व प्रधान है उसी का निर्माण करना चाहिए। तो आपने देखा अग्नि तत्व आपका बैलेंस, पृथ्वी तत्व बैलेंस, जल तत्व बैलेंस। अर्थात जल तत्व कैसे बैलेंस होगा, यह है कि उत्तर की दिशा में या ईशान कोण में कभी भी रेड कलर नहीं करवाएं या वहाँ किचन नहीं ले जाएं। ये दो चीज़ को ध्यान रखना आवश्यक है। उसके बाद है कि आकाश तत्व, स्पेस, जो आपका आकाश तत्व है पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर कभी भी आप एयर तत्व को नहीं ले जाएं या एयर तत्व में कभी भी आकाश तत्व को नहीं लाएं। इसका कैसे सिद्धांत है ये चीज़ को समझें। यहाँ पर जैसे आकाश तत्व में कभी भी हरा रंग नहीं करवाएं, चूँकि यह एयर से संबंधित है, वायु से संबंधित है, और वायु के क्षेत्र में कभी भी व्हाइट कलर नहीं करवाएं क्योंकि ये स्पेस से संबंधित है। तो इस तरह से आपका बैलेंसिंग हो जाता है 5 एलिमेंट्स, और आपको देता है सुख, देता है समृद्धि, देता है वास्तु से घर निर्माण करने पर आपको कामयाबी देता है, सफलता देता है, घर में सुख शांति समृद्धि और मजबूत रिलेशन बना रहता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।